हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फकबर क्लासेस। मैं हूँ शाइनी समीदा नज़ीर और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। और सिंथेटिक फाइबर्स और एंड प्लास्टिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। और हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में रेयन एंड नायलॉन के बारे में पढ़ चुका था और आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिएस्टर के बारे में। तो शुरू करते हैं। पॉलिएस्टर ये टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स में है। तो पॉलिएस्टर्स ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। तो अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज़ पॉलिएस्टर, तो सबसे पहले तो जवाब ये होगा कि पॉलिएस्टर इज अ सिंथेटिक फाइबर, इट इज़ अ सिंथेटिक फाइबर। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ पॉलिएस्टर, फर्स्टली पॉलिएस्टर इज़ अ सिंथेटिक फाइबर। तो इट इज अ सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। और ये तो अब समझ आ गया कि ये एक सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन ये कौन चीज़ से बनता है इसको जानना होगा। तो ये किस चीज़ से बनता है? एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल्स कॉल्ड एस्टर्स। तो यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रही हूँ, एस्टर्स। देखिए एस्टर्स क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि इट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल्स कॉल्ड एस्टर्स। तो रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल्स, तो इसका मतलब ये क्या है, एस्टर एक क्या है, केमिकल है। तो इट इज़ ये क्या है, केमिकल। और एक इसका क्या प्रॉपर्टी है कि विच गिव फ्रूट देयर स्मेल, इसका स्मेल कैसा होता है, फ्रूट के तरह होता है। तो विच गिव फ्रूट देयर स्मेल, ठीक है। तो ये हो गया एस्टर्स के बारे में। तो इसका हम लोग प्रॉपर्टी में क्या लिख सकते हैं कि ये किस कैसे बना हुआ है, एक्चुअली मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल्स कॉल्ड एस्टर्स। तो ऐसे एक्चुअली मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल्स कॉल्ड एस्टर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे एस्टर्स को बोल्ड लेटर में लिख रही हूँ और आप लोग इस तरह से यहाँ पे एस्टर्स को इस तरह से अंडरलाइन करके इस तरह से लिखते हैं, लिख सकते हैं कि केमिकल विच गिव फ्रूट देयर स्मेल। तो ये तो थोड़ा हो गया पॉलिएस्टर का इंट्रोडक्शन। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे हम लोग, तो इसको मैं मिटा देती हूँ, उसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिएस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, पॉलिएस्टर कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले तो ये कि आपने जितना भी सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि ये क्या होता है, ड्यूरेबल होता है। ये सिंथेटिक फाइबर्स का प्रॉपर्टी है कि वो ड्यूरेबल होगा। तो एक पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है, तो इसका भी एक क्या प्रॉपर्टी है कि वो ड्यूरेबल है, और पॉलिएस्टर तो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। तो एक ये प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि पॉलिएस्टर आर ड्यूरेबल। तो यहाँ पे मैं जस्ट वर्ड को लिख रही हूँ, ड्यूरेबल आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ये पॉलिएस्टर क्या है, ड्यूरेबल है। और एक खास प्रॉपर्टी क्या है पॉलिएस्टर का, कि ये इसमें रिंकल्स नहीं आते हैं। जैसे कि आप लोग कुछ कपड़ा पहनेंगे, अगर कपड़ा पहन के बैठ जाएंगे तो वो अगर उसको आप लोगों ने ठीक करके नहीं बैठा तो उसमें रिंकल्स आ जाते हैं, झुड़ियाँ आ जाते हैं उसमें। लेकिन पॉलिएस्टर को आप अगर पहन के सो भी जाएँ तो अगर आप फिर सुबह में उठेंगे तो ऐसा लगेगा कि अभी वो पूरा आयरन करा हुआ है। तो ये इसमें ना रिंकल्स नहीं आते हैं, तो डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली। तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, कि डज नॉट गेट रिंकल इजिली।
ठीक है, आप लोगों ने अगर पहना होगा पॉलिस्टर को तो आइए आप बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी। और इसको क्या होता है कि ये इजी टू वॉश होता है एंड रिमेन्स क्रिस्प, मतलब क्या कि इसको धोना बहुत ही आसान होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हल्का होता है ना, और उसको जब धोते हैं तो बहुत बहुत आसानी से धुल जाता है और वो क्रिस्प रहता है, एकदम कुड़कुड़ा रहता है, कड़ा होकर रहता है, ठीक है। तो एक यही वही बात है कि डज नॉट गेट रिंकल इजीली, कड़ा रहता है, इसका मतलब क्या कि रिंकल्स नहीं आते हैं उसमें। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इजी टू वॉश एंड रिमेन्स क्रिस्प, इजी टू वॉश एंड रिमेन्स क्रिस्प, ठीक है। क्रिस्प मतलब वही कुरकुरा, कड़ा होकर रहना, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी मतलब अब तो समझ गए होंगे कि ये कपड़ा बनाने के लिए यूज होता है, तो ये इजी टू वॉश होता है, दे आर लाइट, दे आर ड्यूरेबल, तो इंसान क्या चाहेगा कि वो हल्का हो, ड्यूरेबल हो, स्ट्रांग हो और दिखने में भी अच्छा हो, तो इसीलिए वो कपड़ा बनाने के लिए सूटेबल है। हाँ, तो पॉलिस्टर्स आर सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल और लाइक शर्ट, साड़ीज होती हैं, जैसे कि मैंने भी फ्रॉक पहना हुआ है ये पॉलिस्टर का, और बेडशीट भी बनाने के लिए जो होता है, टेबल क्लोथ्स फॉर होम डेकोरेशन, तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होता है। तो सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल लाइक शर्ट, इस तरह से लिख सकते हैं। आप लोगों ने शायद देखा होगा किसी को, मतलब लोगों को पहनते हुए या फिर खुद भी पहनते होंगे आप लोग, तो क्या कि सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, और इसमें आप लोग जोड़ सकते हैं जो भी शर्ट, साड़ी, फ्रॉक, व्हाटएवर, है ना। और क्या होता है कि बेडशीट बनाने के लिए होता है और टेबल क्लोथ्स भी बनाने के लिए होता है फॉर होम डेकोरेशन। तो ये सारी बातें हो गई पॉलिस्टर के बारे में। लेकिन अब पॉलिस्टर का देखिए कि क्या है, पॉलिस्टर का के भी बहुत सारे तरीके के पॉलिस्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में मैंने जहाँ तक कि पढ़ा है कि वो वहाँ दो ही लिखा हुआ है, एक है टेरिलीन एंड एक है पीईटी। तो टेरिलीन क्या है ना कि वो भी एक पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर का टाइप है जो कि ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और फिर बस टेरिलीन लिख के एक स्टार देकर टेरिलीन लिखते हैं, है ना। और ये क्या इसका यूज़ क्या, ये क्या है, टेरिलीन इज अ पॉलिस्टर एंड वो क्या करने के लिए यूज होता है, यूज फॉर क्लोथिंग मटेरियल, बस इतना लिख सकते हैं। ठीक है, क्या यूज फॉर क्लोथिंग मटेरियल। और दूसरा क्या है, पेट, पीईटी पेट, ठीक है। ऐसा इसका फुल फॉर्म होता है पॉली इथाइलीन टेरिप्थेलेट, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, पॉली इथाइलीन टेरिप्थेलेट, ठीक है। तो इसका यूज क्या है, होम यूटेंसिल्स को बनाने के लिए, जैसे कि बॉटल्स हुआ, यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीज़ों के को बनाने के लिए। और बहुत पीटी बहुत ही फेमस फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर है, ठीक है। आप कहीं पे भी पढ़ेंगे इसके बारे में आ जाएगा। तो इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप इंटरनेट में खोज के पढ़ सकते हैं, ठीक है, गूगल में जाकर। तो ये इसका यूज़ क्या है, यूज़ क्या, यूज फॉर मेकिंग होम यूटेंसिल्स। अब होम यूटेंसिल्स जो भी है, बॉटल्स जो भी है, वायर्स, फिल्म्स जो भी है, वो हम लोग बनाते हैं। तो ये हो गया टेरिलीन और पीटी के बारे में, थोड़ा थोड़ा बता दिया। अब ये हो गया, है ना। अब क्या है कि पॉलिस्टर का एक और बात है कि पॉलिस्टर को ना क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है किससे, जैसे कि पॉली एक होता है, एक फैब्रिक होता है पॉलीकॉट नाम का, ठीक है। क्या होता है, पॉलीकॉट,
यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं कि पॉलीकॉट मतलब क्या, कि पॉलिस्टर से पॉलिस्टर और कॉटन को मिला के क्या बन गया है, पॉलीकॉट। और भी एक फैब्रिक बनता है जिसका नाम है पॉली वूल। तो यहाँ पे भी समझ रहे होंगे आप कि यहाँ पे वूल है, यहाँ पे पॉली, तो पॉलिस्टर प्लस वूल पॉली वूल। और इस तरह का फैब्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लेंडेड फैब्रिक्स। ब्लेंडेड फैब्रिक्स क्या होता है कि उसको हम लोग क्या करते हैं, दो फैब्रिक लेते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं और जो जो नया फैब्रिक बनता है वो हम लोग का डिज़ायर्ड क्वालिटी, जैसा क्वालिटी हम लोग चाहते हैं उसको मिलाते हैं और हम लोग को एक डिज़ायर्ड क्वालिटी मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लेंडेड फैब्रिक्स। तो यहाँ पे हम ब्लेंडेड फैब्रिक्स हैं ये दोनों, ठीक है ना। ब्लेंडेड फैब्रिक बहुत बहुत सारे होते हैं और पॉलिस्टर से जो मिलता है वो, क्योंकि पॉलिस्टर के बारे में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो बस पॉलीकॉट और पॉलीवुल। और भी होता है जैसे कि टेरी सिल्क, टेरी वुल, टेरी सिल्क, टेरी वुल, आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पे कि टेरी ये पॉलिस्टर के का नहीं है, टेरी टेरी सिल्क, तो आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पे टेरी लीन होगा और सिल्क होगा, दोनों को मिलाते हैं टेरी सिल्क और टेरी वुल। तो ये सब है क्या, ब्लेंडेड फैब्रिक। तो ये हो गया सब पॉलिस्टर के बारे में, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग के कौन जिसके बारे में पढ़ेंगे, पॉलिस्टर के बाद एक्राइलिक। देखिए वन मिनट, देखिए एक्राइलिक क्या होता है, आप लोग ठंड में क्या पहनते होंगे, स्वेटर्स, शॉल्स, है ना। तो क्या आप लोग समझ, आप लोग तो ये समझते होंगे कि जो भी पहनते हैं वूल का ही होता है ना, लेकिन ये बात सही नहीं है, ठीक है। ये क्या है कि हम लोग ज़्यादातर सामान एक्राइलिक का पहनते हैं। एक्राइलिक, एक्राइलिक क्या है आखिर, तो एक्राइलिक भी एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या विंटर क्लोथिंग के लिए ये यूज़ होता है, जो बिल्कुल वूल के तरह होता है, इसका सेम वार्म्थ, जितना वूल वार्म देगा वार्म्थ देगा ना आपको, उतना ही एक्राइलिक भी आपको वार्म्थ देगा। और इसको क्या, और ऐसा क्यों बनाया गया कि वूल और एक्राइलिक, वूल भी तो काम चल जाता, लेकिन वूल में क्या होता है कि वूल ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ये इसका वूल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो इसी वजह से क्या क्या सोचा गया कि वूल के तरह ही हो, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था रेयन के बारे में, सिल्क से वो लोग ये किया, तो वैसे ही वूल, वूल को देखा, वूल तो बहुत ज़्यादा ये है, महंगा है, तो उन लोगों ने सोचा कि चलिए दूसरा कुछ बनाते हैं जो कि सस्ता हो लेकिन वैसे ही हो। तो वो लोग कामयाब हो गए और एक्राइलिक बन गया। और एक्राइलिक ज़्यादातर हम लोग वूल का, जैसे कि शॉल, स्वेटर, सब कुछ, और अगर आप लोग वूल का पहनेंगे ना वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो इसीलिए वूल ही ज़्यादातर यूज़ होता है और सब लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। एंड वो लोग वैरायटी ऑफ कलर्स में, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग वैरायटी ऑफ कलर्स। तो एक्राइलिक थोड़ा उसके बारे में भी लिख देते हैं, जैसे कि पॉलिस्टर में मैंने लिखा थोड़ा थोड़ा, से एक्राइलिक के बारे में भी। ठीक है, तो एक्राइलिक क्या, ये भी एक क्या है, सिंथेटिक फाइबर, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा प्लास्टिक में कि सॉरी पॉलिस्टर में कि वो भी एक, ये क्या है, वो भी एक सिंथेटिक फाइबर है, तो वैसे ही एक्राइलिक भी एक सिंथेटिक फाइबर है ना। सिंथेटिक फाइबर लिख देते हैं, ये क्या है, सिंथेटिक फाइबर। यूज क्या है, यूज फॉर मेकिंग विंटर क्लोथ। Found in variety of colors. Or comparatively cheaper than wool. ठीक है, comparatively cheaper than wool. ठीक है, ये हो गया एक्रेलिक के बारे में और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब ये लास्ट था, ये हो गया हम लोग का टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर हम लोग का हो गया,
है ना। अब हम लोग एक बात है, एक बात मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देती हूँ कि ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ऑरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। क्या? पेट्रोकेमिकल्स। ये क्या है? ये ना सब सिंथेटिक फाइबर क्या होता है कि नंबर ऑफ, बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं उसको जो बनाना होता है सिंथेटिक फाइबर्स को, उसको बनाने के लिए बहुत सारा प्रोसेसेस होता है, ठीक है। और उसको उसको किस चीज़ से बनाते हैं हम लोग? एक पेट्रोलियम ओरिजिन, सब सिंथेटिक फाइबर एक कौन चीज़ से बनता है? पेट्रोलियम ओरिजिन होता है उसका, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। तो ये मैंने बता दिया आपको एक्स्ट्रा, एंड ये हो गया। और आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच।